विवान जो मेरा बेटा है उसकी आज गोद भराई है, तो उसी की खुशी में नाच गाना हो रहा है। आज फैमिली बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुई है, पूरा परिवार एक साथ खुश है, तो उसी खुशी के उपलक्ष्य में नाच गाना हो रहा है। सीरियल उड़ान में एक लंबे समय के बाद सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमली माँ बनने वाली है और आज शो में इमली की गोद भराई होने जा रही है। सूरज और विवान साथ में बधाई देते डांस करते नजर आएंगे। साथ ही मौसी चकोर भी लगा रही है ठुमके। आने वाले मेहमान का धूमधाम से हो रहा है स्वागत। तेजस्वनी जी भी बहुत खुश दिख रही हैं। कहा, लंबे समय के बाद सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तमाम ड्रामे और हंगामे के बाद फाइनली इस घर में बज गई है जश्न की शहनाई। अब कहीं इनकी खुशियों को लग न जाए किसी की नज़र। बॉलीवुड और टीवी जगत की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए बोल बिंदास। रिकग्नाइज करना ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तक तो जो भी कैरेक्टर मैंने किए हैं ऐसा है कि आप उससे रिलेट कर पाए। इसके पहले मैं एक सहारा का शो करती थी, आखिर बहू बेटी, वो बड़ी सख्त किस्म की सास थी, तो ऐसी सास लोगों को देखा है मैंने, तो उससे तो रिलेट करना आसान था। उसके अलावा तेजस्विनी का कैरेक्टर तो पहले बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, और इस तरह की बहुत मैनिपुलेटिव महिलाएं भी देखी हैं मैंने, जो बहुत हर चीज़ में अपना दिमाग लगाती हैं और शासन करने की कोशिश करती है। तो लेकिन फिर वक्त और परिस्थितियाँ चेंज हुई, मतलब जब ज़िंदगी की मार पड़ी तो मैं समझ में आया कि जीवन क्या है, तो मैं अब ज़िंदगी को बड़े पॉजिटिव अप्रोच से देखती हूँ और मैं कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो ये सब तो रियल लाइफ में भी होता है कि जब आदमी के पास संकट आता है तो आदमी पॉजिटिव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो आप में नकारात्मकता रहती है वो चली जाती है, तो बहुत रिलेट कर पाते हैं कैरेक्टर।